हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चंस देखा था जो चैप्टर के स्टार्टिंग में होते हैं, और इस वीडियो में हम लोग वर्कशीट वन के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। चैप्टर नंबर 9 क्लास 6 लाइन सेगमेंट चैप्टर का ये वीडियो है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स यूजिंग डिवाइडर। तो कंपेयरिंग के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है, यहाँ बुक में देख सकते हैं, ये थोड़ी ओल्ड बुक है। कंपेयर करने का मेथड्स दिया हुआ है, थ्री मेथड्स हैं, बाय ऑब्जर्विंग, बाय ट्रेसिंग एंड बाय यूजिंग अ डिवाइडर। तो यहाँ पर ये थर्ड वाला जो है, यूजिंग अ डिवाइडर, इसका यूज करके सॉल्व करने के लिए बोला गया है, इसका यूज करके कंपेयर करने के लिए बोला गया है इन लाइन सेगमेंट्स को। यहाँ पर वर्कशीट नंबर 1 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें क्या बोला गया है, सॉल्व करना है, कंपेयर करना है इन लाइन सेगमेंट्स को, किसका यूज करके, डिवाइडर का यूज करके। तो डिवाइडर का यूज करके हम लोग कैसे लाइन सेगमेंट्स को कंपेयर करते हैं देख सकते हैं, इसको डिवाइडर बोला जाता है। इस तरह का कुछ डिवाइडर होता है जिसमें दो पॉइंटेड मेटल्स के पार्ट होते हैं, उससे हम लोग क्या करते हैं, म्यूजर करते हैं। किस तरह से म्यूजर करेंगे, इस तरह से कुछ म्यूजर करते हैं, ये हम लोग म्यूजर कर लेते हैं। मान लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन में कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करना मतलब बताना कि कौन सा लाइन सेगमेंट बिगर है, कौन सा लाइन सेगमेंट स्मॉलर है, दो लाइन सेगमेंट्स के बीच में हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। तो यहां पर ए बी एक लाइन सेगमेंट है, उसको अगर हम लोग म्यूजर करना चाहें इससे, तो इस तरह का इतना कुछ मेजरमेंट आ रहा है। कितना आ रहा है ये नहीं पूछा जा रहा है, बस आपको कंपेयर करने के लिए बोला जा रहा है, तो इतना आ रहा है लगभग। अब जब हम लोग सी डी को उतना ही मेजरमेंट रख के बिना छोटा बड़ा किए हुए सी पर रखते हैं, तो ये डी से बाहर चला जाता है। इसका मतलब ए बी लाइन सेगमेंट बिगर है और सी डी लाइन सेगमेंट जो है वो स्मॉलर है। तो यहां पर कौन सा बिगर हुआ, ए बी बिगर हुआ। बिगर को शो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बिगर को शो करने के लिए इस तरह का साइन देते हैं, ये साइन हम लोग देंगे बिगर के लिए, ए बी बिगर है सी डी से। अब उसी तरह दूसरे में देखेंगे हम लोग, पी क्यू और आर एस है, जिस तरह बुक में बना हुआ है वैसा ही मैंने बनाया, उतने ही मेजरमेंट का बनाने का कोशिश किया है। पी क्यू, पी क्यू को मेजर कर लेंगे हम लोग, पी क्यू कुछ इतना मेजरमेंट का है और आर एस का मेजरमेंट भी उतना ही है। पी क्यू डिवाइडर का यूज करके हम लोग मेजर कर रहे हैं, ऐसे पकड़ के आप होल्ड करके मेजर कर सकते हैं या फिर ऐसे मेजर कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो वैसे मेजर कर सकते हैं। आर एस को भी मैंने मेजर किया उतना ही आ रहा है और पी क्यू भी मेजर करके उतना ही आ रहा है, यानी दोनों ही क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो यहां पर हम लोग इक्वल टू का साइन देंगे, कंपेयर करेंगे तो कोई भी बड़ा नहीं आ रहा है, दोनों ही इक्वल आ रहा है, दोनों ही लाइन सेगमेंट इक्वल आ रहा है। अब हम लोग थर्ड सी नंबर में देखेंगे, सी नंबर में क्या है, डी और एफ जी को कंपेयर करना है। तो यहां पर डी का मेजरमेंट कितना आ रहा है, जितना भी मेजरमेंट आ रहा है डी का, अगर एफ पर रख दे रहे हैं डिवाइडर के एक पॉइंट को, तो ये जी तक नहीं इंड कर रहा है, जी से पहले ही खत्म हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एफ जी जो लाइन सेगमेंट है, एफ जी जो लाइन सेगमेंट है वो बिगर है डी लाइन सेगमेंट से, डी स्मॉलर है, एफ जी लॉन्गर है। तो स्मॉलर के लिए कौन सा साइन हो, एफ जी ग्रेटर है तो इस तरह का साइन देंगे, या डी स्मॉलर है तो स्मॉलर के लिए ये साइन होता है। तो इस तरीके से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं डिवाइडर का यूज करके। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, बोला जा रहा है यहां पर मेजर द टू लाइन सेगमेंट्स यूजिंग द रूलर एंड डिवाइडर। ए नंबर में रूलर का यूज करके मेजर करने बोला है इन दोनों लाइन सेगमेंट को, ए बी और पी क्यू को, और बी नंबर में डिवाइडर का यूज करके मेजर करने बोला गया है। रूलर को स्केल भी बोला जाता है। तो स्केल से सबसे पहले हम लोग मेजर करते हैं, कैसे मेजर किया जाता है, मेजरमेंट करने का तरीका आपके बुक में दिया हुआ है, स्केल से कैसे मेजरमेंट करेंगे। यहां पर बोला गया है कि जब भी हम लोग स्केल का यूज करके मेजर करते हैं, ये कुछ स्केल का फिगर दिया हुआ है, तो ये
इधर सेंटीमीटर का पार्ट होता है ऊपर की तरफ जनरली स्केल्स में, और नीचे की तरफ इंचेस का पार्ट होता है। तो सेंटीमीटर में ये आपका, इसको अगर स्केल को बड़ा करके देखा जाए तो ये जीरो पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। जीरो यहाँ से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, मतलब स्केल के स्टार्टिंग से, मेरे स्केल में एकदम स्टार्टिंग में दिया हुआ है स्टार्टिंग से। तो उसके बाद जीरो से मेजरमेंट करना स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद ये वन आया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर अगर आपको मेजर करना रहेगा तो जीरो से यहाँ। गलती क्या करते हैं बच्चे, मान लेते हैं कि 3 सेंटीमीटर उनको मेजर करना रहता है, तो वो क्या करते हैं, स्केल लेते हैं, 1 पर रखते हैं और एक लाइन खींच देते हैं, कहाँ तक, 3 तक। लेकिन वो गलत हो गया, ये कितना हुआ, 1 और 1 2 2 ही सेंटीमीटर हुआ। अगर वो जीरो से मेजरमेंट करना शुरू करेंगे, जीरो से लाइन खींचेंगे यहाँ तक, लाइन सेगमेंट खींचेंगे 3 तक, तब उनका आंसर सही होगा, जो हम लोग आगे के पार्ट में देखेंगे। हम लोगों को ये जानना है कि हम लोग मेजरमेंट कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जीरो से। और जीरो के बाद ये जीरो में एक बड़ा स्टिक है, 1 में बड़ा स्टिक है, 2 में बड़ा स्टिक है, और ये छोटे छोटे स्टिक्स और बटे हुए रहते हैं। इसका मतलब वो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, और 5th में जो होगा 0.5, थोड़ा सा बड़ा स्टिक है। उसके बाद 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, और ये 10 जहाँ पर होता है वहाँ 1 आ गया। और उसके बाद उसी तरह आगे बढ़ते जाएगा, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.5 में थोड़ा बड़ा हो गया, 1.5 में, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और 2 हो गया। 1.9 के बाद 2 हो जाता है मेजरमेंट में। उसी तरह आगे हम लोग आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर रूलर का यूज करके मेजरमेंट करने के लिए बोला गया है, तो सबसे पहले हम लोग रूलर ले लेंगे और उसको मेजर करेंगे। किस तरह से, रूलर से मेजर करेंगे इस तरीके से, कुछ रूलर का जीरो पार्ट जो है वो स्टार्टिंग में रखेंगे ए पर, और उसका एंडिंग जहाँ हो रहा है, एंडिंग जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर दूसरा देखेंगे। इस तरह का कुछ मेजरमेंट में आ रहा है, ये 0 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, यानी मेजरमेंट रूलर का यूज करके ए बी का मेजरमेंट कितना आ रहा है, 4। यूजिंग रूलर ए बी का वैल्यू कितना आ रहा है, 4 सेंटीमीटर। और पी क्यू का देखते हैं उसी तरह, पी क्यू का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 पर 0 रखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट, पी पॉइंट, और क्यू पर आपका है ये जहां एंड हो रहा है, ये क्यू है, ये पॉइंट क्यू है। तो क्यू को हम लोग मेजर कर लेंगे कहां पर आ रहा है, ये 3 के बाद 1 2 3 4 एंड 1 5, ये 5 लॉन्गर वन है, ये 5 पर आ रहा है, यानी 3.5 हो रहा है मेजरमेंट। पी क्यू का वैल्यू कितना आ रहा है, 3.5। पी क्यू इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब कि मेजरमेंट इक्वल वैल्यूज आना चाहिए। तो ये ए बी का वैल्यू 4 सेंटीमीटर आया और पी क्यू का वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर आया, तो डिवाइडर का भी यूज जब करेंगे तो उतना ही वैल्यू आना चाहिए, तो सही आएगा। क्योंकि डिवाइडर का यूज करने के बाद हम लोग स्केल का यूज करते ही है मेजर करने के लिए। तो मेजर कर लेंगे इस तरीके से कुछ, मान लेते हैं ए बी का वैल्यू को हम लोग मेजर कर रहे हैं, ये हमने मेजर करना शुरू किया, एक एंड इस डिवाइडर का, 1 एंड को हम लोग ए पर रखें और दूसरे इंड को इस पार्ट को बी पर रखेंगे, ठीक है। जितना स्ट्रेच होगा उतना स्ट्रेच कर देंगे। स्ट्रेच करने के बाद अब स्केल पर हम लोग रखेंगे। ये जो स्टार्टिंग पार्ट है स्केल का स्टार्टिंग पार्ट कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर 0 रखेंगे। इसको मेजर कर लेंगे इस तरह से, ये फर्स्ट एंड पॉइंट, ये सेकेंड एंड पॉइंट के लिए है, तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग, ये फर्स्ट इन पॉइंट पर रख दिए और ये सेकेंड इन पॉइंट पर, देखते हैं कितना मेजरमेंट आ रहा है। हम लोग का मेजरमेंट आ रहा है 4 सेंटीमीटर, यहाँ भी आ रहा है एग्जैक्टली, देख सकते हैं 4 सेंटीमीटर पर मेजरमेंट आ रहा है, यानी हम लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं। 4 यहाँ मेजर करके लिखेंगे, 4 सेंटीमीटर ए बी का वैल्यू, डिवाइडर का भी यूज करके कितना आ रहा है, 4 सेंटीमीटर आ रहा है। अब उसी तरह हम लोग सेकेंड वैल्यू निकालेंगे किसका, पी क्यू का। पी क्यू में डिवाइडर को, दोनों एंड को रखेंगे डिवाइडर के, पी पर रख लिया हमने और क्यू पर रख लिया। जितना स्ट्रेच होगा, 1 एंड को रखना है किस पर, पी पर, और सेकेंड एंड को किस पर रखना है,
क्यू पर, इधर से भी देख सकते हैं, इस तरह मेजर करेंगे हम लोग, दोनों तरफ से मेजरमेंट इक्वल आएगा। ये मेजर कर लिया हम लोगों ने, उसके बाद फिर से हम लोग स्केल पर या रूलर जो बोल सकते हैं स्केल पर रखेंगे, जीरो पर रखे हैं, और ये दूसरा एंड कहाँ पर आ रहा है, दूसरा एंड आ रहा है 0.5 पर, ये 0.5 पर यहाँ पर आ रहा है दूसरा एंड, यानी 3.5 हो गया। फिर से देख सकते हैं 3 के बाद 5 छोटे छोटे पॉइंट्स को हमने काउंट किया है, 3.5 पर आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, अगेन PQ का वैल्यू कितना आ रहा है, 3.5 सेंटीमीटर। दोनों का यूज़ करके, रूलर और डिवाइडर दोनों का यूज़ करके अगर हम लोग का इक्वल वैल्यूज आ रहा है, मतलब हम लोग सही सॉल्व कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। यहां पर बोला जा रहा है कंस्ट्रक्ट द लाइन सेगमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग लेंथ यूजिंग कंपासेस। कंपास का यूज करके आपको क्या करना है, इन लाइन सेगमेंट्स का जो मेजरमेंट दिया हुआ है उतना मेजरमेंट का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, कंपास का यूज करके कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला गया है। तो इस तरह कंपास फिट कर लेंगे, एक पेंसिल को फिट कर लेंगे, दो पेंसिल्स आपको चाहिए, एक छोटे साइज का एक बड़े साइज का। बड़े साइज का पेंसिल क्यों चाहिए, रूलर से का यूज करके लाइन खींचने के लिए, दैट मीन्स आपको रूलर भी चाहिए स्केल भी चाहिए। तो एक स्केल हो गया लाइन खींचने के लिए, और दूसरा हो गया आपका कंपास जिसमें छोटा पेंसिल फिट किया हुआ हो, और एक बड़ा पेंसिल, बड़े साइज का पेंसिल चाहिए। तो हम लोग इन तीनों का यूज करके कंस्ट्रक्ट करेंगे। आइए देखते हैं कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट में कंस्ट्रक्ट करना है हम लोगों को 3.1 सेंटीमीटर। तो 3.1 सेंटीमीटर कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे, अपने कॉन्वीनियंस के हिसाब से, बहुत बड़ा नहीं बहुत छोटा भी नहीं, इस तरह का लाइन सेगमेंट एक खींच देंगे। बोला गया है कि कंपास का यूज करके हम लोगों को लाइन ड्रॉ करना है। तो कंपास का यूज कैसे करेंगे, कंपास में जहां पर जीरो है वहां पर इसको लगा लेंगे, ये जो मेटल पार्ट है इसको जीरो पर लगाएंगे। आपका प्लास्टिक का अगर है तो उसमें एक छोटा सा होल बना सकते हैं जिसमें ये आराम से अटक जाए, और नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा। तो थ्री यहां जीरो हो गया, और जीरो के बाद 3.1 लेना है हम लोगों को मेजरमेंट। 3 कहां पर आ रहा है, यहां कुछ 3 आ रहा है, ये है 3 हम लोगों का, 3.1 बोला गया है, 3 हो गया यहां पर। 3 के बाद जस्ट 1 स्टिक काउंट करना है उसके आगे का, उसके आगे का 1 स्टिक काउंट करना है 3 के बाद। और इस ये जो हम लोग लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए हैं उसका स्टार्टिंग में इसको रखना है, स्टार्टिंग में रख के इस तरह करके आर्क बनाना है, आर्क ड्रॉ करना है। आर्क हम लोग ड्रॉ कर लिए, बस हम लोगों का काम हो गया। अब क्या करना है, हम लोगों को मार्क करना है। ये मार्क कर दिए हम लोग, मान लेते हैं इस लाइन सेगमेंट का नाम हम लोगों को देना है ए बी, ए बी नेम दे दिए इसका, ए यहाँ पर हो गया, और ये जो आर्क कट लगाए हैं उस पॉइंट पर बी हो गया। और इस लाइन सेगमेंट का मेजरमेंट कितना हो गया, 3.1 सेंटीमीटर। उस 3.1 सेंटीमीटर को यहां पर हम लोग लिख देंगे, 3.1 सेंटीमीटर मेजरमेंट का ये हम लोगों का लाइन सेगमेंट बन गया। उसी तरह 6.2 सेंटीमीटर का बनाएंगे, 6.2 सेंटीमीटर का बनाने के लिए एक लाइन खींच देते हैं, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देते हैं लंबा सा, 6.2 के लगभग लगना चाहिए उसके आसपास, मान लेते हैं कि इतना बड़ा हम लोगों ने लाइन सेगमेंट खींच दिया, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, 6 से ज़्यादा ही ले लिए हम लोग, 7-8 के आसपास ले लिए। तो इतना बड़ा लाइन सेगमेंट हम लोग ड्रॉ कर दिए। अब इस लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करने के बाद 6.2 हम लोगों को मेजर करना है। तो स्केल में आप देख सकते हैं 6.2 कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर मेजरमेंट आ रहा है 1, ये है 2 है 3 है, इस तरफ वाला सेंटीमीटर है और नीचे वाला क्या है इंचेस है। तो सेंटीमीटर में लेना है हम लोगों को, ये 1 हो गया 2 हो गया 3 4 5 6, 6 के बाद 2 काउंट करना है, 6 के बाद दो छोटे छोटे स्टिक, ये फर्स्ट स्टिक हो गया ये सेकंड स्टिक हो गया, यहाँ तक हम लोगों का आना चाहिए किस में, कंपास में, कंपास का यूज करके मेजर करेंगे कंपास का। तो यहाँ पर 6.2 में ले आए, जीरो में रखें वन एंड को,
दूसरे एंड को 6.2 में ले गए। दूसरे एंड को कहाँ ले जाएंगे, 6.2 में, फर्स्ट एंड 0 में एंड सेकेंड एंड 6.2 में हम लोगों का। अब उसके बाद जो हम लोग लाइन सेगमेंट ड्रॉ करके रखे हैं पहले से, उसका फर्स्ट एंड में, आप सेकेंड एंड में भी रख सकते हैं, लेकिन जनरली लेफ्ट साइड से मेजर करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो लेफ्ट साइड में हमने रख लिया और कट कर दिया, राइट साइड में भी रख के कट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रख सकते हैं। तो लेफ्ट साइड में रखने के बाद आर्क बनाएंगे हम लोग, कट करेंगे आर्क छोटा बड़ा जैसा आपको लगे वैसा कट कर सकते हैं। ये कट होने के बाद इसमें हम लोग मार्क कर देते हैं, इसको मान लेते हैं इसका नेम हमको पी क्यू देने का, माने पी क्यू दे देते हैं, ये पी हो गया और इधर जहाँ पर कट हुआ है वहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। और मेजरमेंट भी यहाँ पर नीचे में लिखना होता है, तो 6.2 सेंटीमीटर का है तो यहाँ पर 6.2 सेंटीमीटर हम लोग मेजरमेंट इसका लिख डालेंगे। उसी तरह अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर सी को, देखेंगे हम लोग सी नंबर में क्या करना है, हम लोगों को 7.4 सेंटीमीटर मेजरमेंट का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है कंपास का यूज करके। तो सबसे पहले रूलर का यूज करके एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे लंबा सा, मान लेते हैं कि इतना बड़ा लाइन सेगमेंट हम लोग ड्रॉ कर लिए। अब इस लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करने के बाद कंपास का यूज करके हम लोग यहाँ से 7.4 जहां पर होता है मेजरमेंट वहां तक खींच लेंगे। तो 7.4 कुछ यहाँ पर होता है, 7 यहाँ हो गया और 5 एक बिगर स्टिक से पहले इस तरह का यहाँ पर मेजरमेंट आ रहा है एग्जैक्टली 7.4 यहाँ पर। तो ये जो मेजरमेंट आ रहा है 7.4, इसको मेजर कर लेने के बाद 7.5 से 1 पहले मेजर कर लेने के बाद क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पर स्टार्टिंग में रखना है और एक कट लगाना है, आर्क कट करना है, आर्क कट कर लेंगे इस तरह का। आर्क जहां पर कट हुआ है वहां पर नेम दे देंगे हम लोग कुछ, मान लेते हैं ये यहां पर कट हुआ और ये स्टार्टिंग है, तो इसका नेम कुछ हो गया मान लेते हैं एक्स वाई नेम दे देंगे। एक्स वाई नेम दे देने के बाद यहां पर नीचे लिख देना है जितना उसका मेजरमेंट है, 7.4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट है तो 7.4 सेंटीमीटर यहाँ पर हम लोग लिख डालेंगे। नाउ डी नंबर में भी उसी तरह करना है, कितना खींचना है 9.3, तो 9.3 खींचने के लिए 9.3 के आसपास ले लेते हैं हम लोग, लगभग में 9.3 के आसपास लगना चाहिए। तो यहाँ कुछ इधर स्केल में दिख रहा है 12, 13, 14 उसके आसपास खींच लेते हैं। यहाँ से मेरा लाइन सेगमेंट स्टार्ट हुआ है फर्स्ट एंडिंग पॉइंट, दूसरा एंडिंग पॉइंट हम लोगों को ढूंढना है। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरा एंडिंग पॉइंट को ढूंढते हैं। फर्स्ट एंडिंग पॉइंट में इस मेटल के पॉइंटेड पार्ट को रखते हैं यहाँ पर, और दूसरा एंडिंग में इस पेंसिल के पार्ट को रखते हैं। तो क्या करना है, स्केल में पहले मेजर करना है कि 9.3 कहाँ पर हो रहा है। ये 0 हो गया यहाँ पर स्टार्टिंग में और 9 आ गया, 9 के बाद काउंट करना है 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 स्टिक्स काउंट करेंगे छोटे छोटे, काउंट हो गए 1, 2, 3, 3 स्टिक काउंट होने के बाद थोड़ा सा कम हो रहा, हाँ 1, 2, 3, 3 स्टिक एग्जैक्टली हम लोग काउंट कर लेंगे। 3 स्टिक काउंट करने के बाद यहाँ पर स्टार्टिंग में रखेंगे और एक कट लगा देंगे, इस तरह का कट लगा देंगे, आर्क बना देंगे, इसको आर्क बोलते हैं। तो यहाँ पर नेम दे देंगे इसका कुछ, मान लेते हैं ए बी, फिर से नेम देने का मन हुआ मेरा, आपका जो भी नेम देने का मन है, पी क्यू आर एस एक्स वाई डब्ल्यू वाई जो भी दे सकते हैं। तो ए बी नेम इसका दे दिया गया और मेजरमेंट जितना है यहाँ पर लिखेंगे 9.3 सेंटीमीटर, ये मेजरमेंट हो गया। तो इसी के साथ ये वीडियो फक्सेट 1 का फर्स्ट पार्ट का वीडियो यहीं पर एंड होता है। आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब का बटन को हिट करें और अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर करें कि वो भी बेनिफिटेड हो सकें।